आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। लीजिए सुनिए झलकी अपनी लगे बेगानी, लेखक और निर्देशक गुरमीत रामल मीत। सलूट साहब। ठीक है, कोई खास खबर? जी खबर तो है ही। कौन सी खबर? जो होनी चाहिए। पता भी तो चले कि क्या होनी चाहिए। जी वो मिल गया। कौन मिल गया? जिसकी तलाश थी। किसकी तलाश थी? यहां तो न जाने रोज कितने लोगों की तलाश रहती है। केस का नाम लो, जुर्म की बात बताओ, तभी तो पता चलेगा कि कौन मिल गया है। जी थिरुमल मिल गया है। अरे तुम पहेलियों में बातें क्यों कर रहे हो? गेट आउट। सॉरी सर। डोंट वेस्ट माय टाइम। सॉरी। तो फिर साफ साफ क्यों नहीं कहते हो जो कहना चाहते हो? जी मैंने कहा ना कि थिरुमल मिल गया है। थिरुमल साइकिल वाला। अरे ऐसे कहो ना, क्यों जरा सी बात बताने के लिए इधर उधर की हाँक रहे हो? तो साहब क्या मैं उसे अंदर बुलाऊं? हाँ, उसे जल्दी से मेरे सामने पेश करो। जो हुक्म हुजूर का। थिरुमल अंदर आ जाओ, साहब बुला रहे हैं। साहब जी नमस्कार। ठीक है ठीक है, सीधे खड़े रहो। साहब जी मुझे क्या हुक्म है? तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले कि मैं तुम्हें क्या हुक्म दूं? तुम भी सीधे खड़े रहो। साहब जी मुझे कितनी देर लग जाएगी? थाने में आकर तुम देर की बात पूछते हो। चिमनलाल इसे अंदर कर दो। जी अभी कर देता हूं। चलो अंदर बैठकर इंतजार करना कि कितने देर लगती है। रुको, तुम भी पूरे पुर्जे हो, जहां कहो वहीं फिट हो जाते हो। पहले मुझे पूरी इंक्वायरी तो कर लेने दो। जी कर लो, मैं बाद में से अंदर कर दूंगा। ऐसे लोगों को अंदर करना ही पड़ता है। जी मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर छोटा मोटा नहीं है। जी मैंने तो कभी चींटी भी नहीं मारी है। देश का नागरिक होने के नाते तुमने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है। जी मैं सुबह ही घर से निकल जाता हूँ, रात के 9 बजे घर लौटता हूँ, मेहनत मजदूरी करके एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ, बच्चों को पालता हूँ, इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ? साहब जी अगर ये ठीक तरह से जवाब नहीं दे रहा तो मैं जरा। चुप करके खड़े रहो, बीच में बात मत करो। ये गलती हो गई। थिरुमल चाहे हमारे सिपाही चिमनलाल से पूछ लो कि लोग दिन रात पुलिस को बदनाम करने को ही अपना परम धर्म मान रहे हैं। जी मैं तो दिन रात यही सुन रहा हूं कि पुलिस कुछ नहीं करती, लोगों की पूरी तरह से रक्षा नहीं करती, चोरों गुंडों और डाकुओं को पकड़ती नहीं, पुलिस ना हो गई किसी की दासी बन गई। जी मैंने तो पुलिस के बारे में कभी कुछ सोचा नहीं। फिक्र मत करो, अब सोचोगे जब लेने के देने पड़ जाएंगे। जी मैं कुछ लेने की बात तो सोच भी नहीं सकता। अगर आज्ञा हो तो मैं कुछ दे जरूर सकता हूँ, पर मुझे जल्दी से जाने दो, मुझे तो कान खोलनी है। साहब इसे अंदर कर दूं? ये कुछ देने की बात कह रहा है, इस जुर्म के लिए इसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सजा से पहले ये तो पता चल जाना चाहिए कि इसका अपराध क्या है। तो साहब जी इसका अपराध मैं बता दूं इसे? अरे चुप, बॉस के होते हुए तुम ये पवित्र काम कैसे कर सकते हो? गलती हो गई, ये महान कार्य तो आप ही कीजिए। क्या तुम्हारा नाम ही थिरुमल है ना? जी साहब। क्या 2 साल पहले तुम्हारी साइकिल बिकोई थी? मेरी साइकिल? हाँ हाँ तुम्हारी साइकिल। जो चीज खो गई उसकी चिंता करके क्या करूंगा मैं, वो भी 2 वर्षों के बाद। बस तुम्हारा यही तो अपराध है, तुम्हारे जैसे लापरवाह लोग ही तो चोर और डाकू पैदा करते हैं। तुम जैसे लोगों का चाहे कुछ भी नुकसान हो जाए लेकिन तुम पुलिस को नहीं बताओगे। और साहब जी जब तक कोई पुलिस को नहीं बताएगा तो क्या पुलिस को सपना आएगा कि थिरुमल की साइकिल चोरी हो गई है? साहब जी 2 साल पहले मेरी साइकिल बड़े डाकखाने के बाहर से चोरी जरूर हुई थी, पर मैंने सोचा क्यों कर झंझट में पड़ा जाए, किस लिए पुलिस में रिपोर्ट लिखवाऊं? ताकि पुलिस अपनी ड्यूटी को सच्चाई और ईमानदारी से सरंजाम न दे सके।
यही ना साहब जी, भला मैं ऐसा क्यों सोचने लगा? तो फिर और क्या बात है? अगर तुम लोग अपराधों की सूचना पुलिस तक नहीं पहुंचाओगे तो चोरों डाकुओं के हौसले तो बुलंद होंगे ही, समाज में गुनाह और अपराध भी बढ़ेंगे। साहब जी, कहते हैं कि पुलिस में शिकायत करना बेकार है, पुलिस किसी मामले को सुलझाने की बजाय उल्टा उलझा देती है। साहब जी, अपमान, घोर अपमान। कम से कम मैं तो इस अपमान को सहन नहीं कर सकता। पुलिस का अपमान करने वाले ऐसे आदमी का सिर्फ लॉकअप में ही ठिकाना हो सकता है। अरे तुम इसे बंद कर दोगे तो उस चोर का क्या होगा जो इसकी साइकिल चोरी करके ले गया था? साहब जी, मैं खोई हुई अपनी साइकिल अब भूल चुका हूँ, मेरी दुकान का टाइम हो चुका है, मुझे जाने दीजिए। देखो वो पूरी लंबी लाइन चोरी करी हुई साइकिलों की है, जाकर उनमें से अपनी साइकिल पहचान लो। अपनी साइकिल के साथ तुम्हें कल कोर्ट में आना है, क्योंकि तुम्हें साइकिल चोर के खिलाफ गवाही देनी होगी। साहब जी, मुझे गवाही वगैरह के चक्कर में क्यों डालते हो? मेरे पास ऐसे कामों के लिए कोई टाइम नहीं। अपनी साइकिल लेते हो या? खैर छोड़ो, तुम जैसे लोग ही तो अपराधों को बढ़ावा देते हैं जो पुलिस और कचहरी की सहायता नहीं करना चाहते। चलो अपनी साइकिल पहचान लो, साहब का टाइम नष्ट मत करो, उन्हें और बहुत काम करने हैं। अरे तुमने दो बार पूरी लाइन देख ली, तुम फिर भी अपनी साइकिल नहीं पहचान पाए? जनाब, इन साइकिलों में ना किसी में चेन है, ना टायर, ना ट्यूब, ना हैंडल, ना पैडल, ना मडगार्ड, ना। तुम्हें अपनी साइकिल पहचानने के लिए कहा है, ना कि इस इंस्पेक्शन करने के लिए। जरा अपनी साइकिल की खरीद रसीद दिखाओ। जी ये लो। ये देखो, AT 1122334 के रसीद और फ्रेम पर यही नंबर है। आपने तो कमाल कर दिया, हमारी पुलिस तो कमाल की है जो 2 साल पुरानी चोरी खोज डाली है। तुम पुलिस वालों को क्या समझते हो? हम तो 100 साल पुराने जमीन में गड़े कत्ल के केस निकाल लेते हैं, ये तो मामूली सी साइकिल थी। लेकिन अब मैं इस साइकिल का क्या करूं? इस रजिस्टर में साइन करो और इस साइकिल को अपने साथ ले जाओ। पर जी, मैं इस ढांचे को कैसे घर ले जाऊं? ये सोचना तुम्हारा काम है, हमारा काम था तुम्हारी चोरी की साइकिल ढूंढना। पर जाने से पहले जरा अंदर मिल लेना। जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस साइकिल को यहीं छोड़ जाऊं? मैंने अब नई साइकिल ले ली है, वैसे भी ये ढांचा मेरे काम का नहीं। तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने क्या पुलिस स्टेशन को कबाड़ी की दुकान समझ रखा है? इसे ले जाओ और कल इसे लेकर कोर्ट में पहुंच जाओ, तुम्हारी गवाही होगी। ठीक है जी, जो आपका हुक्म। कानून की बात तो माननी ही पड़ेगी। इस कबाड़ को फिर किस लिए रिक्शे पर ले आए? तो मैं और क्या करूं? देखो जी, मैं कह देती हूँ, इस घर में या तो मैं रहूंगी या ये साइकिल। इसने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। साल से भी ऊपर हो गया होगा कि आप इस नामुराद को रिक्शे पर लाद करके ले जाते हैं और शाम को फिर रिक्शे पर ढो लाते हैं। मैं कहती हूँ आप इसे खड्डे में क्यों नहीं फेंक देते? अरे मैं क्या करूं, मैं तो इसे छोड़ना चाहता हूँ, पर कंबल भी तो मुझे छोड़े। आप पुलिस से क्यों नहीं बोल देते कि ये हमें साइकिल नहीं चाहिए? ना ही हम किसी चोर डाकू को सजा दिलाना चाहते हैं। मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ, साल भर में कितना नुकसान हो गया है। जिस दिन तारीख होती है उस दिन सारा वक्त बर्बाद हो जाता है, ऊपर से इस कबाड़ को रिक्शे पर ले जाने का खर्च अलग। पर इसका कोई तो इलाज ढूंढना ही पड़ेगा। मैंने सबसे पूछा है, अब इसका कोई इलाज नहीं। जब तक उस चोर के खिलाफ केस का कोई फैसला नहीं हो जाता, तब तक ये मरा हुआ सांप हमारे गले में पड़ा रहेगा। मुझे एक उपाय सूझा है। लक्ष्मी, सच? क्या है उपाय? अगली सुनवाई की तारीख कब है? अगले महीने की 29 तारीख। पर तारीख को क्या करें, कभी कोई नहीं आता तो कभी कोई नहीं, या फिर कभी साइकिल चोर ही बीमार पड़ जाता है। देखो अगली तारीख को क्या होता है। इस बार आप तारीख पर जाओ ही ना, वो क्या कर लेंगे आपका? मैंने सोचा तुम कोई बहुत ही अच्छा उपाय बताने जा रही हो। तो क्या ये उपाय अच्छा नहीं? अच्छा तो है,
पर मेरे लिए नहीं, साइकिल चोर के लिए अच्छा है। क्यों? अरे अगर मैं नहीं गया तो कोर्ट मेरे वारंट निकाल देगी, चोर को अंदर करने के बजाय मुझे अंदर कर देगी। लेकिन मैं और कुछ नहीं सहन कर सकती, टूटी फूटी साइकिल को अपनी कहते हुए भी शर्म आती है, उसके लिए मुकदमा लड़ना तो और भी अपमान है। लक्ष्मी ऐसा मत कह, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं क्या कर सकती हूँ? तुम क्या करोगी? जो कुछ करूंगा मैं ही करूंगा, मुसीबत में अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। ये मुसीबत तो आपने जानबूझकर अपने ऊपर ओढ़ी है, उस दिन क्यों नहीं कह दिया था कि ये साइकिल आपकी नहीं है? मुझे क्या पता था कि ये मुसीबत इतनी लंबी निकलेगी। एक तो 500 की साइकिल खोई, 700 की नई ली, ऊपर से 2-4 हजार का घाटा और उठाना पड़ा। मैं तो कहती हूँ कि किसी को ले देकर अपनी जान छुड़ाओ, नहीं तो ये साइकिल जिंदगी भर के लिए हमारी जान का जंजाल बन जाएगी। तभी तो ये साइकिल अपनी होते हुए बेगानी लगती है। मुझे एक और उपाय सूझा है। आज तो तुम्हारी बुद्धि वास्तव में चौके छक्के मार रही है लक्ष्मी। मुसीबत में इंसान की सोई अकल भी जाग पड़ती है। अच्छा अब जल्दी बताओ कि दूसरा उपाय क्या सोचा है। क्या आप चोर का घर जानते हैं? उसका घर कौन सा होगा? अरे आजकल तो वो हवालात की रोटियां तोड़ रहा है। क्या उसे कोई नहीं मिल सकता? क्यों नहीं मिल सकता? कम से कम उसके वकील के द्वारा तो उससे बात हो ही सकती है। ऐसा करो, जैसे ही सुनवाई शुरू हो और आपकी गवाही मांगी जाए तो कह दो कि आपकी साइकिल चोरी ही नहीं हुई थी, बल्कि आपने उसे साइकिल बेची थी। लक्ष्मी तुम तो वाकई वकील बन गई हो। भाई 3 साल पहले की तारीख में एक रसीद उस चोर के नाम भी लिख दो कि आपने साइकिल 400 में बेची थी, पूरे पैसे नगद मिल गए थे। तुम कहती हो तो मैं ये भी करके देख लूंगा, पर मुझे नहीं लगता कि जल्दी कुछ होगा। जब केस कचहरी में चला जाता है तो उसका फैसला कोर्ट ही कर सकती है। हो सकता है कि ऐसे करके ही ये साइकिल हमारी जान छोड़ दे। लक्ष्मी अगर साइकिल का केस 2-3 साल तक और चलता रहा तो हम दोनों पूरे वकील बन जाएंगे, चाय खाने के लाले बढ़ जाए। अपनी लगे बेगानी, अभी आपने ये झलकी सुनी। लेखक और निर्देशक थे गुरमीत रामल मीत। ये झलकी आकाशवाणी शिमला की प्रस्तुति थी। हवा महल कार्यक्रम समाप्त हुआ।